सो हे गाइस, आप लोगों के लेके आई हूँ कुछ नया। तो ये नया ये है, मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रायता, जिसे आप दिन में खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और कभी सब्जी बनाने का मन ना करे तो सब्जी में भी इसका यूज़ कर सकते हो आप। और इससे रोटी पूरी और भी बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से जिससे खा सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। हे गाइस, मैं अभी बनाने वाली हूँ, दिन के बज चुके हैं 11, तो बनाने वाली थी बनाना शेक। सो मैंने कहा साथ साथ में बना लेते हैं। तो मैंने क्या बोलते हैं दूध लिया है, आधा ग्लास लिया है, और चीनी ली है 2 चम्मच, ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा तो इसलिए। और यहाँ लिए मैंने 2 केले कट कर लिए, और ये थोड़ा सा लिए मैंने क्या बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स ले लिए, चबाने में अच्छा लगता है ना, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा पीसा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं दरदरा, ताकि चबाने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए। और यहाँ पे मैंने मिनी चॉकर ले लिया है, तो साथ में मैं इसको अब पीस लेती हूँ। तो पहले इसको इसमें डाल लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने मिनी चॉकर में डाल चुकी हूँ, और इसमें थोड़ा दूध ऐड कर लेती हूँ, पीसने में आसानी रहती है। और यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ सीधे चीनी भी, इसी में ऐड कर लेती हूँ और इसको पीसती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए गाइस, ये पीस चुका है, तो इसमें थोड़ा सा मैंने दूध भी ऐड कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा और दूध ऐड कर देती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे छोटे गिलास से ही बनाना है 1 गिलास, ठीक है। ना हो चुका है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। कांच का है ना मेरे पास ग्लास, वो तो काफ़ी बड़ा है पर ये थोड़ा छोटा है, तो इसमें कर देती हूँ। वाओ गाइस, मज़ा आ गया देख के, ठीक है, ये बड़ा है ये भी काफ़ी, तो इतना बन चुका है, काफ़ी है एक जने के लिए। तो गाइस इसको रखती हूँ थोड़ी देर फ्रिज में, थोड़ा चिल टाइप का हो जाएगा ना, तो पीऊँगी बाद में, और करते हैं आगे की प्रोसेस और, ठीक है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक, और गाइस आज लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी, जो आप लोगों को बहुत ही ये गर्मी के दिनों में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, और बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी जिसे इम्पोर्टेंट है हमारे सलाद में भी, और हमारे क्या बोलते हैं शरीर के लिए भी, और हमारे खाने में, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। अभी इसका नाम नहीं बताऊँगी, और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ले लेने अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लोगे आप सामान। जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है क्या बोलते हैं 2 प्याज लिए, 1 टमाटर लिए, और 2 छोटी सी खीरा थी मेरे पास, जिसका मुझे कवर उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो खीरा को बारीक चॉप करना है, इसको भी बारीक चॉप करना है, प्याज को भी और टमाटर को भी बारीक चॉप करना है। मैं चॉप करके आपको बताती हूँ, ओके। सो आपको ऐसे कट करना है बारीकी से, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। अब मैं प्याज कट, मैंने देखो प्याज कैसे कट कर रखा है वो देखो आप, ऐसे करके लंबाई में, अब इसको ऐसे करके चॉप करूँगी, ठीक है, देखिए ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने ले लिया कांच का बाउल, ठीक है, साथ ही ले लिया है बड़े कटोरे से आधा कटोरी दही, और ये दही मैं खुद ही जमाती हूँ इसलिए ये अच्छा है, ठीक है, मुझे बाहर का दही पसंद नहीं है और मैं खुद ही जमाती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर लेती हूँ पहले, ओके। सो ये देखिए गाइस, मैंने इसमें तीनों की तीनों चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको सीधे ये दही जितना भी है इसको इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, इसको फेंट लेती हूँ। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दही मेरा काफ़ी ज़्यादा मोटा है, ठीक है, और थोड़ा और दही ऐड कर देती हूँ, गिर भी नहीं रहा ये तो,
फेंट लेती हूँ इसको भी। दही का पानी बनाया मैंने, उसको ऐड कर लेती हूँ। सो गाइज़ ये मैंने फेंट लिया। इसमें जो मसाले ऐड करना है आपको, वो क्या करना है वो मैं बताती हूँ। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ठीक है, अपने स्वाद अनुसार ले लें। और जो नॉर्मली हम नमक खाते हैं वो वाला, और आपको अगर तीखा पसंद हो तो आप हरी मिर्च कट कर सकते हो। मेरी बेटी इसको ज़्यादा पसंद करती है इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हल्दी ऐड कर ली, हरा धनिया ऐड करती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये थोड़ा सा हरी धनिया वैसे डाला है, थोड़ी सी हरी लाल मिर्च डाल दी मैंने थोड़ा सा बस स्वाद आने के लिए। इसको बस फेंट लेती हूँ, ठीक है, इसमें मिला लेती हूँ पूरा का पूरा। सो गाइज अब मैं इसमें ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास पुदीना हो हरा वो भी आप पीस कर भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऊपर से भी कट करके पत्तों को, हरे पत्तों को उसके, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसको मतलब अलग ही बना देता है, शानदार टाइप का। तो ये अगर मैं इसको कहूँ रायता कहूँ तो ये रायता ही है गाइस, ये नॉर्मल टाइप का, ठीक है, बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही हेल्दी जिसको बोलेंगे आप। और गाइस अगर मैं ना सोच रही थी कि कभी टाइम मिले तो अच्छे से मैं आपको पहाड़ी रायता बताऊँ कि पहाड़ी में रायता कैसे बनाया जाता है, मतलब उत्तराखंड में रायता जो बनता है वो कैसे बनता है, उसका भी आपके लिए मैं रेसिपी लेके आऊँगी। पर अभी ये सिंपल सा जो है ना, इसको बना के देखिए आप और इसको खा के देखिए आप, अपने अकॉर्डिंग इसमें मसाले ऐड कीजिए। चाहे आप तीखा खाते हैं, हरी मिर्च का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसमें बारीक कट करके, चॉप करके। सो ये मैंने सिंपल बनाया जो मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना आजकल का ऐसा ही होता है कि गर्मियों में बच्चों का भी मन नहीं करता, बड़ों का भी मन नहीं करता, तो इसको आप किसी बच्चे को दो या बड़े को दो, बड़े चाव से खाएगा और ये बॉडी को आपका हाइड्रेट करके रखेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो गर्मी के दिन है, आप लोगों को भी मैं ये रेसिपी बता देती हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय।